नमस्कार, सुबह 7 बजे स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में कल होगी असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दी मंजूरी, कांग्रेस और सीपीएम सांसद ने दिया था नोटिस। पेरिस में कल से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे रवाना। भारत का बराबरी के समझौते और तकनीक हस्तांतरण पर जोर। राष्ट्रमंडल देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $1 अरब का विशेष कोष बनाने पर सहमत। विकासशील देशों को दी जाएगी मदद, भारत का छोटे देशों के लिए $25 लाख के सहयोग का ऐलान। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के शिविर पर रॉकेट से हमला, 2 शांति सैनिकों समेत 3 की मौत, 14 जख्मी। आईएस पर हमले को अंजाम देने का शक। मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु जापान की मिनात्सु मितानी से आज होगी खिताबी भिड़ंत। विश्व हॉकी लीग में भारत जर्मनी मैच ड्रॉ। और चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने आज फ्रांस रवाना होंगे। पेरिस में कल से सम्मेलन शुरू हो रहा है और ये 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए व्यापक समझौतों की उम्मीद की जा रही है। सम्मेलन में 152 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भारत और फ्रांस की साझा रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पहल की शुरूआत करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए 100 से अधिक देशों को दोनों देशों से न्योता भेजा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक सम्मेलन में भारत विकसित देशों से स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीक के हस्तांतरण पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि भारत सम्मेलन में सकारात्मक सोच के साथ हिस्सा लेगा और बराबरी के समझौते पर जोर देगा। उधर पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 1,20,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 13 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद फ्रांस में आपातकाल लागू है। हमलों में 130 से अधिक लोग मारे गए थे। करीब 1,000 लोगों के फ्रांस आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा को खतरा बताकर इन लोगों पर यह कार्रवाई की गई। और वहीं पेरिस सम्मेलन से पहले भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $25 लाख देने का वादा किया है। माल्टा की राजधानी वालेटा में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन यानी कि चोगम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया। यह रकम छोटे देशों से में जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने पर खर्च होगी। 53 देशों के संगठन चोगम में 31 छोटे देश भी शामिल है। राष्ट्रमंडल देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $1 अरब का विशेष कोष बनाने का फैसला किया। ये कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए लगाई जाने वाली हरित परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाया जाएगा। भारत मांग करता रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन से निपटने के लिए गरीब देशों को ज्यादा वित्तीय मदद दी जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत के साथ बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। नवाज शरीफ राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए माल्टा गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ स्थायी शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के एक निजी चैनल के मुताबिक शरीफ ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात के दौरान ये बातें कही। शरीफ के इस बयान से पहले पाकिस्तान बातचीत के लिए कश्मीर को बातचीत में शामिल करने की शर्त की बात कहता रहा है। उधर भारत पहले ही साफ कर चुका है कि बातचीत का मुद्दा आतंकवाद होगा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हो चुकी है। लोकसभा में सोमवार को असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा होगी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सीपीएम और कांग्रेस सांसदों का नोटिस स्वीकार कर लिया है। सीपीएम सांसद पी करुणाकरण और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के नियम 193 के तहत चर्चा की मांग की थी। इसमें चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बढ़ती असहनशीलता का आरोप लगाकर कई साहित्यकार और फिल्मकार अपने सम्मान लौटा चुके हैं। 25 नवंबर को सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने असहिष्णुता पर
जल्द चर्चा की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जीएसटी पर सहमति बनाने की सरकार की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मसले पर पार्टी के भीतर विचार कर रही है। वहीं वाम दलों ने कहा कि सरकार अनदेखी का आरोप लगाया है। उधर सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी पर जल्द सहमति बन जाएगी। जीएसटी पर कांग्रेस के साथ सहमति बनाने की सरकार की कवायद पर वाम दलों ने आपत्ति जताई है। वाम दलों का कहना है कि सरकार को दूसरी पार्टियों से भी बातचीत करनी चाहिए। My party, neither in the parliament nor outside, has been contacted by anybody, leave alone the government. So, I mean, we have always maintained between the Congress and the BJP on economic matters, there is a match fixing. उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से मुलाकात कर जीएसटी पर सुलह के संकेत दिए हैं। हालांकि जीएसटी में सुधार को लेकर कांग्रेस अभी अपने रुख पर कायम है। तीन मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों पर कोई फार्मूला निकलता है तब उसके आगे हम लोग भी बढ़ सकते हैं, वो लोग भी। वहीं बीजेपी ने जल्द सहमति बनाने की उम्मीद जताई है। जीएसटी इज एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ रिफॉर्म। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सेंस इन द कंट्री दैट जीएसटी शुड बी पास्ड एंड ऑफ कोर्स बाय पार्लियामेंट इन्वॉल्विंग ऑल पार्टीज। सो आई थिंक एवरीवन वुड राइज टू द ओकेजन एंड लुक एट द मूड इन द कंट्री एंड वर्क टुवर्ड्स सीइंग व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि पार्टी जीएसटी पर कोई राजनीति नहीं कर रही। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को सहमति बनाने के लिए पहले ही पहल करनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के आला नेता और ऊपरी सदन में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी। सर, आप पिछली सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और जीएसटी बिल जो कांग्रेस के सरकार ने पेश किया था उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी। ये जो पहल हुई है सरकार की तरफ से, क्या इसे माना जाए कि ये एक पहला कदम है शायद जीएसटी बिल को आखिरकार पारित करवाने की तरफ, उसको उस रेजीम को लागू करवाने की तरफ? देखिए, सत्ता पक्ष सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में बातचीत रहने चाहिए, तभी एक रचनात्मक सहयोग का वातावरण बनता है। ये दुर्भाग्य की बात रही कि पिछले चुनाव के बाद वातावरण खराब हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 1.5 साल विपक्ष से बात नहीं की, एक टकराव की मानसिकता रखी विपक्ष से जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपकी तरफ से आया, आपकी पार्टी की तरफ से जो ये मांग रखी गई है जीएसटी बिल में सुधार के लिए या जो इंक्लूड करने के लिए आपकी तरफ से जो सजेशंस हैं, उनमें किसी तरह से कोई जिसे कहा जाए कि कोई लचीलापन आपकी पार्टी की तरफ से रहेगा ताकि बिल को पारित कराया जा सके? देखिए, हमने कोई ये सौदेबाजी के लिए बातें नहीं रखी, बुनियादी बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं। हमने पहले भी कहा है कि इनका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, सरकार को देखना है। हमारी सोच में ये हमारे देश के जनता के और इकोनॉमी के हित में होगा। हम जीएसटी के पक्ष में हैं, जीएसटी देश में जरूर आएगा, पर जीएसटी ऐसा आना चाहिए जो पुख्ता हो। जी, तो ये थे कांग्रेस के डिप्टी लीडर ऊपरी सदन में आनंद शर्मा जी, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस जीएसटी बिल के जीएसटी रेजीम के फेवर में है, उसके पक्ष में है, लेकिन एक पुख्ता जीएसटी बिल होना चाहिए जो कि आम आदमी की मदद के लिए बने। कैमरा पर्सन ओपी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी से अलग हुए नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार के जन लोकपाल ड्राफ्ट को कटघरे में खड़ा किया है। भूषण ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इसे कमजोर करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के आरोपों को निराधार बताया है। इतना बड़ा धोखा जो अरविंद ने किया है वो आज तक दिल्ली वालों को, देश वालों को देखने को नहीं मिला। प्रशांत भूषण के इस आरोप के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार का जन लोकपाल ड्राफ्ट सुर्खियों में आ गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अन्ना आंदोलन के समय तैयार किए ड्राफ्ट से ये बिल्कुल अलग है, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि केंद्र सरकार से टकराव हो। भूषण ने लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसा बिल बनाया है कि पहली बात तो लोकपाल बिल्कुल सरकार के कब्जे में रहेगा, दूसरी ओर दिल्ली सरकार का कहना है कि लोकपाल ड्राफ्ट व्यवहारिक है। सरकार एक व्यवहारिकता में काम कर रही है। पिछली बार
इस बिल को सदन के अंदर प्रस्तुत नहीं होने दिया गया था। इस बार सदन के अंदर बिल प्रस्तुत होने जा रहा है। पार्टी ने प्रशांत भूषण की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। उसका दावा है कि पार्टी रामलीला मैदान में तैयार ड्राफ्ट के अनुसार लोकपाल बनाने को प्रतिबद्ध है। ये बिल वही बिल है जो रामलीला मैदान में पास करा गया था। दिल्ली सरकार लोकपाल बिल को सोमवार को सदन में पेश करेगी। केंद्र सरकार के लोकपाल बिल को जोकपाल बताकर कोसने वाले अरविंद केजरीवाल अब खुद इसके शिकार बन रहे हैं। कोसने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने साथी हैं जिनके बूते वो केंद्र को कोसा करते थे। बहरहाल सबकी निगाहें अब इस पर है कि अरविंद केजरीवाल अपने पुराने साथियों के सवालों का जवाब क्या और कैसे देते हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य स्तर पर एक बड़ा बदलाव किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्य का नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वहीं अंबिका सोनी को प्रचार अभियान समिति का जिम्मा सौंपा गया। अकाली दल ने कांग्रेस में हुए बदलाव का पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा की जगह उन्हें तत्काल प्रभाव से नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी संगठन में कई और बदलाव भी किए गए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य के प्रमुख ओबीसी चेहरे पूर्व मंत्री लाल सिंह प्रदेश इकाई के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, जबकि दलित नेता साधु सिंह धर्मसोट प्रचार अभियान समिति के उपाध्यक्ष होंगे। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को अभियान समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी टॉलेस्ट लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारे लोग उनको चाहते हैं। और अंबिका सोनी जी जो हमारे कंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए हैं वो भी टॉलेस्ट लीडर हैं, इसलिए बहुत सीनियर लीडर्स को लेके, लाल सिंह जी को लेके और सब लीडर्स को लेके एक एक बहुत अच्छी टीम तैयार राहुल गांधी जी ने की है। और सारा अपना जो फीडबैक था सारा जोर अब इस टीम के ऊपर होगा भी ये परफॉर्म अगले 2017 इलेक्शन में करें। कांग्रेस में हुए बदलाव को अकाली दल ने अंदरूनी मामला करार दिया है। इट्स अप टू द कांग्रेस टू होम दे अपॉइंट प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट और समबडी एल्स, इट्स एन इंटरनल मैटर, आई नीड नॉट टू कमेंट, बट दे कैन डू एनीथिंग, बट दैट विल नॉट सेव कांग्रेस इन पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नियुक्ति को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब दौरा कर बदलाव के संकेत दिए थे और पार्टी की एकजुटता पर भी जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पांडिचेरी में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसकी वजह से भारी बारिश का अनुमान है। इधर तमिलनाडु में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने गए केंद्रीय दल का 3 दिवसीय दौरा आज खत्म हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव TVSN प्रसाद के मुताबिक बाढ़ से हुए नुकसान पर रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर सौंपी जाएगी। उधर पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बाढ़ से नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र से तत्काल राहत के तौर पर 182 करोड़ 45 लाख रुपए की मांग की है। गोवा में FTII छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों की संख्या जो है वो अब बढ़ती जा रही है। करीब 100 फिल्मकारों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार की कड़ी निंदा की। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने से रोक दिया गया है। FTII के छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। गीत संगीत, विचार विमर्श और पोस्टर प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों ने विरोध जताया। कार्यक्रम का आयोजन फिल्म फेस्टिवल आयोजन स्थल से थोड़ी ही दूरी पर हुआ। प्रदर्शन में मानवाधिकार अधिवक्ता नंदिता हक्सर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकार राकेश शर्मा और सईद मिर्जा भी मौजूद थे। जो मीटिंग है FTII के लोगों की, जो स्ट्रगल है स्टूडेंट्स की, वो अब हमारी स्ट्रगल हो गई है। अब ये बच्चे ज्यादा जो भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी इसको आगे ले जाना है। Absolutely undeserving, unqualified people are being appointed. The autonomy of the institutions is being diluted completely. और ये जो पैटर्न है ये हमें FTII के अपॉइंटमेंट से भी दिखता है। खचाखच भरे सभागार में छात्रों ने फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनके साथ आयोजकों के रवैये का ब्यौरा दिया
उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह में जिन दो छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उनके वॉलेट और मोबाइल फोन अभी तक वापस नहीं किए गए हैं और इस पर हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद ही फैसला किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन गायन के कार्यक्रम से हुआ जिसमें भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म कोर्ट के कलाकार और दलित जनगायक संभाजी भगत ने गीत सुनाए। इरफान, राज्यसभा टीवी, गोवा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि मौजूदा दौर में लेखकों की भूमिका बेहद अहम है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में टाइम्स लिट फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर यह कहा। दिल्ली में 30 तारीख तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई मशहूर हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत साहित्य के मामले में बेहद धनी है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान में साहित्य का बड़ा योगदान है। लेखकों की भूमिका पर उन्होंने कहा कि अपनी लेखनी के जरिए वो देश की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को परिचय कराते हैं। The writers and the narrators present here, both the illustrious ones and those struggling to get published, are thus the inheritors of a very old, rich and multifaceted tradition. The role in inducing sanity in an increasingly maddening world would remain critical. इस समारोह में नेताओं के अलावा कई बड़े लेखक भी हिस्सा ले रहे हैं। समारोह का आयोजन डीएस ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं। यहाँ सब तरह के शोज हैं, सेशंस हैं और यहाँ पर वैरायटी इस सेशन का महत्वपूर्ण फीचर है। समारोह 3 दिन चलेगा जिसमें अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश आपकी आवाज में संस्कृत का संकट। जलवायु सम्मेलन में भारत की चिंताएं क्या हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक लवासा साहब। भारत अकेला एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने INDC में ये कहा है कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने पहले से ऐतिहासिक उत्सर्जन किया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी तक ग्रीन क्लाइमेट फंड के जो प्लेजेस हैं वो तकरीबन 10.2 बिलियन डॉलर्स के हैं, उसमें से वो पैसा अभी आया नहीं है। भारत इस बात को चाहता है कि हमारे नागरिकों का विकास हो, इस बात को भी चाहता है कि उनका विकास इस तरह से हो ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। देखिए तरकश रविवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। के बाद स्वागत है आपका। HSBC ने भारत में निजी बैंकिंग सेवा बंद करने का फैसला किया है। ग्राहकों को HSBC की रिटेल शाखा में जाने का विकल्प दिया जाएगा। HSBC से पहले RBS और मॉर्गन स्टेनली ने एशिया से अपना व्यापार समेट लिया था। भारत में 32,000 लोग HSBC की कॉरपोरेट खुदरा और पूंजी निवेश बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आई तेजी और देश में अमीरों की बढ़ती संख्या से कई विदेशी बैंकों ने भारत में निजी बैंकिंग सेवा शुरू की, लेकिन बैंकों को जैसी उम्मीद थी वैसा कारोबार नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से बैंक ऐसे फैसले ले रहे हैं। उधर स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने HSBC के पूर्व कर्मचारी हर्वे फाल्सियानी को 5 साल की सजा सुनाई है। हर्वे फाल्सियानी पर स्विट्जरलैंड स्थित HSBC बैंक में कालाधन रखने वाले खाताधारकों की जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि निवेशकों के लिए भारत पसंदीदा जगह बन गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और यूपीए सरकार पर आरोप लगाए। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गांवों को शहर जैसी सुविधाएं देने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव से पलायन को रोकना एक बड़ी चुनौती है और इसमें कमी लाना सरकार की प्राथमिकता है। जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं वही अधिकतम सुविधाएं कैसे गांवों तक पहुंच सकें और गांवों से जो पॉपुलेशन का जो ट्रांसफर हो रहा है शहरों की तरफ वो कैसे रुक सके, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल मार्ग को और बढ़ावा देने की बात कही। गडकरी के अनुसार इससे न सिर्फ व्यापार में इजाफा होगा बल्कि पर्यटकों को लुभाने में भी मदद मिलेगी। हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो हवाई जहाज भी नहीं है और शिप भी नहीं है, जो पानी के ऊपर से 7 मीटर दौड़ेगी, 150-160 किलोमीटर से, 150 लोग बैठ सकते, 50 लोग बैठ सकते, 250 लोग बैठ सकते हैं और पानी में उतरेगी, और उसकी जो कॉस्ट है 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है इससे भी आधे प्राइस में आप पानी पर इधर से उधर जा सकते हैं। गडकरी ने ढांचागत विकास के क्षेत्र में नए आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाने को अहम बताया। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और माली में कल आतंकियों ने संयुक्त राष्ट्र के एक शिविर पर रॉकेट से हमला किया। इसमें शांति सेना के 2 जवान और 1 कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। दोनों जवान गुआना के थे। यह हमला उत्तर पश्चिम माली के किदाल में हुआ। अलकायदा से जुड़े संगठनों ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। 5 दिन पहले माली के ही टिबकट्टू में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें संयुक्त राष्ट्र का एक कर्मचारी मारा गया। इससे पहले 20 नवंबर को भी आतंकियों ने राजधानी बामको के रेडिसन ब्लू होटल में 170 लोगों को बंधक बना लिया था। हमले में 14 विदेशी नागरिकों समेत 20 की मौत हो गई थी। 9 घंटे चली पुलिस कार्रवाई के बाद 2 बंदूकधारी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी अलकायदा से जुड़े संगठनों ने ली है। और चलिए अब बात करते हैं आपकी आवाज की। आज का वीडियो वाराणसी से भेजा गया है। वीडियो वैदिक शिक्षा ले रहे कुछ छात्रों ने भेजा है, जिनमें उन्होंने अपने भविष्य से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया है। छात्र ये बता रहे हैं कि कैसे वेदों की पढ़ाई उनके मुश्किल बनती जा रही है। आइए देखते हैं वाराणसी से सिटीजन जर्नलिस्ट सोहन उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम सोहन उपाध्याय है। मैं भारतीय परंपरा के अनुसार वेद शिक्षा अध्ययन कर रहा हूं। वेद शिक्षा अध्ययन करने में 7 साल लगते हैं। इस दौरान हमें सिर्फ वेद, संस्कृत और हल्के फुल्के ढंग से आधुनिक विषय का भी अध्ययन कराया जाता है। कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा हमारे पढ़ाई में शामिल न होने के कारण हम जैसे छात्र दूसरे नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तरह आधुनिक शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। 7 साल पढ़ाई करने के बाद जो हमें प्रमाण पत्र मिलता है उसे 1-2 विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकांश विश्वविद्यालय मान्यता नहीं देते हैं। वेद पार्टी, हम जैसे वेद पार्टियों से, वेद पार्टी छात्रों से सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग के भविष्य के विषय में कुछ सोचे और कुछ करें। संस्कृत का विकास भले ही सरकार की प्राथमिकता हो, लेकिन जिस परेशानी का जिक्र ये छात्र कर रहे हैं वो वाकई गंभीर है। बदले समय के साथ संस्कृत के विकास के तरीकों में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं हुए तो आने वाले दिनों में न सिर्फ बच्चे संस्कृत से मुंह मोड़ लेंगे बल्कि सरकार के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। वैदिक मंत्रों से गूंजता स्वामी नारायण नंद तीर्थ वेद विद्यालय। यहाँ वेदों की शिक्षा मिलती है। यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत से छात्र परिचित होते हैं। यहाँ सिखाई जाती है वो कला जो भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सके। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि ये छात्र अपने ही भविष्य के बारे में अनजान हैं। बच्चे 7 वर्ष पूर्ण करने के बाद जाएं किधर? किसी कोई भी विद्यालय, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो, वो इस डिग्री को मान्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बच्चे वेद पढ़ के आगे के जब भविष्य में दिखेगा तो क्यों अध्ययन करेंगे। छात्रों का पाठ्यक्रम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से मेल नहीं खाता। हमारी जो वेद की मतलब सर्टिफिकेट है यही कहीं मानता नहीं है। हमारी कंप्यूटर जैसी आदमी शिक्षा है, हम दूसरे अलग रखा गया है।
जी हम कहीं जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मेलन में प्रवेश नहीं पा सकते। तो क्या लगता है वेद पढ़ना आपके लिए कारगर है कि नहीं? समस्या ये है कि देश में संस्कृत और वेद पाठशालाओं के विकास पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसे रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा। यही वजह है कि देश भर में हजारों छात्र रोजगार के लिए मारे मारे फिरते हैं। ये हाल तो तब है जब हाल ही मानव संसाधन मंत्रालय ने संस्कृत के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है। इससे पहले 1956 में सरकार ने पहला आयोग बनाया था, 2014 में दूसरा आयोग बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी, आईआईएम और कृषि विश्वविद्यालय समेत सभी बड़े संस्थानों में पश्चिमी ज्ञान पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को प्राचीन काल की उपलब्धियों की कोई जानकारी नहीं है। राजनीति विज्ञान के छात्रों को शुक्र नीति, विदुर नीति और महाभारत पढ़ाई जानी चाहिए। सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन इन छात्रों के लिए रोजगार की कमी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब तक वेद और संस्कृत की शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, सरकार की ये कोशिशें बेमानी साबित होंगी। रिपोर्ट आपने देखी, और अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है या आपकी कोई समस्या है और आप हमें बताना चाहते हैं तो आप बनिए हमारे सिटीजन रिपोर्टर और भेजिए अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और अब बात खेल की खबरों की। भारत की पीवी सिंधु आज मकाओ ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल खेलेंगी। उनका मुकाबला जापान की मिनात्सु मितानी से होगा। सेमीफाइनल में उन्होंने जापान की ही अकाने यामाउची को हराया। सिंधु लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। वो दो बार से ये टूर्नामेंट जीत रही है। रायपुर में विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में कल भारत और जर्मनी का मुकाबला बराबरी पर छूटा। शुरुआत में जर्मनी ने 1-0 की बढ़त ले ली थी, लेकिन बाद में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। भारत की तरफ से आकाशदीप ने गोल किया। इससे पहले शुक्रवार को भारत अर्जेंटीना से पहला मैच हार गया था। खबरों में इतना ही, चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में कल होगी असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दी मंजूरी। कांग्रेस और सीपीएम सांसद ने दिया था नोटिस। पेरिस में कल से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे रवाना। भारत का बराबरी के समझौते और तकनीक हस्तांतरण पर जोर। राष्ट्रमंडल देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $1 अरब का निवेश कोष बनाने पर सहमत। विकासशील देशों को दी जाएगी मदद। भारत का छोटे देशों के लिए $25 लाख के सहयोग का ऐलान। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के शिविर पर रॉकेट से हमला। 2 शांति सैनिकों समेत 3 की मौत, 14 जख्मी। आईएस पर हमले को अंजाम देने का शक। और मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु जापान की मिनात्सु मितानी से आज होगी खिताबी भिड़ंत। विश्व हॉकी लीग में भारत जर्मनी मैच ड्रॉ।